पूरा वीडियो आगे दिखाता हूँ। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पिछले दो दिनों से भोजपुरी इंडस्ट्री में देख रहे हैं कि इतना भोजपुरी का स्तर इतना नीचे गिराया जा रहा है कि हम कल से वीडियो नहीं बना रहे थे। एकदम नहीं मन कर रहा था कोई भी वीडियो बनाने का, लेकिन ये जब विजय चौहान वाला ये वीडियो देखे तो भाई लगा कि वीडियो बनाना चाहिए, तो आज बना रहे। और यहीं पे अक्षरा सिंह से भी रिलेटेड कुछ न्यूज है तो वो भी हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो भाई इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सुबह सुबह पवन सिंह का गाना विजय चौहान द्वारा गाते हुए सुन के भाई दिल खुश हो गया। इतना अच्छा लग रहा है ये गाना सुनने में कि पवन सिंह का ये लेवल देख सकते हैं कि कैसा गाना गाते थे उस टाइम पे। देखिए कोई वल्गैरिटी नहीं, भक्ति है, लेकिन लोग दिल से सुनते हैं और हमेशा हर एक पूजा वगैरह में बजता है ये गाना। सच बोले तो अगर पावर स्टार पवन सिंह ऐसा गाना फिर से अभी गाएंगे तो भाई बहुत मजा आएगा। अब यहीं पे राम जी से रिलेटेड एक सॉन्ग आने वाला था पवन सिंह का, वो भी अभी तक नहीं आया। तूने जो जहर दिया वो। और यहीं पे देख रहे हैं कि अक्षरा सिंह का बहुत ही ज्यादा कुछ दिन से सैड सॉन्ग चल रहा है। सैड सॉन्ग या फिर टारगेट, आप जो भी समझ लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, किसी को रुला कर हंसे तो क्या हंसे। मतलब इस तरह से शायरी लगा कर अक्षरा सिंह वीडियो बना रहे हैं। तो आप सभी को पता होगा कि क्या टारगेट हो रहा है नहीं हो रहा है, आप सभी को अच्छे से पता होगा। बाकी आप लोग ये वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दीजिए। और क्या पवन सिंह का उस लेवल का सॉन्ग आना चाहिए या फिर नहीं, ये भी इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता। मुझे तो भाई वही सब सॉन्ग अच्छा लगता है, सैड सॉन्ग भी था और ये एक तरह से रोमांटिक सॉन्ग भी था पवन सिंह का। जैसे रोमांटिक में बोले तो मुहम्मद से हेलो हेलो, हथवा से टाटा, कितना मस्त सॉन्ग लगा ये सब सुन के। तो अगर आप पुराने पवन सिंह को देखना चाहते हैं, पुराने पवन सिंह का आवाज देखना चाहते हैं, तो भाई इस वीडियो के नीचे दबा के कमेंट करो ताकि हम और वीडियो बनाए ताकि पवन सिंह फिर वही टाइप में गाना गा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।